अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैर अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं दिल की बात उमैर मीडिया के साथ। इस वक्त हमारे साथ जो फनकारा मौजूद है वो किसी भी तारफ की मोहताज नहीं है, आपके दिल की धड़कन, हमारे दिल की धड़कन मुस्कान जट जी। और आज आपको इनसे मिलवाते हैं कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ तलख बातें और कुछ हंसी मजाक होगा, हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह आज बड़ी हसीन खूबसूरत लग रही है। आपने फर्स्ट टाइम देखा आई थिंक? नहीं मैंने पहले भी देखा। अच्छा अच्छा, आपने शायद हमें ना देखा, हम छोटे से छोटे छोटे हैं तो आपने कहाँ देखा होगा। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमसे मोहब्बत करते हैं हमारे चाहने वाले हैं, हम उनको हमेशा अपने फॉलो में रखते हैं। नहीं आप तो इतनी बड़ी फनकार और हम छोटे से एंकर, आप कहाँ देखते हैं। छोटा कोई भी नहीं होता, इज्जत खुदा की जात देती है। क्या बात है जी, माशाल्लाह वैसे आज तो बड़ी आप खूबसूरत लग रही हैं। कौन सी चक्की का आटा खाती हैं कि इतनी खूबसूरत लग रही हैं? नहीं चक्की का आटा तो नहीं खाती। तो क्या खाती है? बस जो सब खाते हैं। सब तो रोटी खाते हैं, आपने कहा मैं चक्की का आटा नहीं खाती, ये आपने खुद बोला है। अच्छा मतलब कि जो सब खाते हैं वही मैं भी खाती हूँ। सब से मतलब सब तो बहुत चीज़ें खाते हैं, यानी कि फास्ट फूड और चावल। लोगों का दिमाग नहीं, दिमाग के पैसे ही खा जाते हैं ना, ना लोगों फैनों के पैसे नहीं, वो बहुत सी चीजें। मैं फैनों के पैसे नहीं खाती, कोई फैन ही नहीं है। ये नहीं मैं मान सकता मैडम, इस फील्ड में कोई फैन ना हो। देखें ये तो उनकी मोहब्बत है हमारे फैंस की। अच्छा। जो हमें इज्जत देते हैं। क्या बात है। अच्छा मैडम मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा आपसे, इजाज़त है? जी जी। कौन सी इजाज़त, तीन दफ़ा वाली या एक दफ़ा वाली? एक दफ़ा वाली। खुल के बता, तेरा मुंह नहीं है, तीन दफ़ा वाली इजाज़त दिया तुमने। मैडम मुंह तो ही बेचती ना, मेरा मुंह चंगा है मैडम, अल्लाह का शुक्र है मैं एक चैनल चला रहा हूं। अबे सही है ना, पीठ पीछे करती तो गुस्सा लगता। जी मैं आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छे लगते हो, बस थोड़ी सी हाइट जो है ना बढ़ा लो। मैडम हाइट में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। हाँ वो तो वो क्या कहते हैं बुढ़े लोगों के लिए ना, दिल होना चाहिए जवान। नहीं नहीं ये जवान के लिए भी है कि अब जवान से बंदा शादी करे उसका दिल ही ना हो, वो आप जब भी रोमांटिक वगैरह हो तो वो अपने मौज में लगा हो तो वो तो फायदा नहीं है ना। जी जी ऐसे मियां हो ऐसा कि जो 24 घंटे रोमांटिक रहे। ओ हेलो, तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए हो यहाँ पे, तुम यहाँ मेरे क्या रिश्ते की बात करने आए हो? मैं क्या शायद के पता मेरी दाल ही गल जाए थे। दाल यहाँ दाल नहीं गलनी, क्योंकि यहाँ क्या यखनी बनेगी? ना ना यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा, इंटरव्यू लोड फूड हो जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। फिर मैं चाहता हूँ कि आने वाले क्रिकेट मैच में हम अपनी टीम लेके जाएं। हाँ पूरी टीम के साथ एक दर्जन। तुम्हारे दिल की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होनी, लिहाजा वो ख्वाब कभी मत देखो जो पूरे नहीं होने। तो ख्वाब देखने ही बड़े चाहिए कि जो ख्वाब नहीं देखता उसकी क्या जिंदगी है, ख्वाब बड़े देखें जो पूरे भी हों। नहीं तू ऐसे इंटरव्यू लेना है कि तू मेरा रिश्क मिशु की चलाना है, चल जा मैं नहीं इंटरव्यू देना। यार ये केड़ी गल है, एक तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले आया हूं, वो तो तुम्हारे दिल ने मेरे चा... नहीं तू मेरे से सान कर रहे हैं इंटरव्यू लेके, तू ऐसे डायरेक्टली मेन प्रपोज कर रहे हैं। यार मेरी गल सुनो, मेरे चैनल तो के आज प्रोग्राम है साडा दिल की बात उमैर मीडिया के साथ, असि दिल दी गल कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। नहीं दिल की बात करने के लिए तुम्हें मैं नजर आई हूं, और कोई मिल ही नहीं ना मुझे, और किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। टेंशन ना लो, मुँह मैंने भी नहीं लगाया तुम्हें। एक बात बताऊँ? जी बोले। मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की पता? क्यों नहीं की? सारी जिंदगी मुझे शादी की याद ही नहीं थी, और जब शादी करने की याद आई तो आप मिल गई। मतलब कि मुझे देखा और शादी की याद आ गई। वैसे मुझे शादी की याद नहीं थी, मैं काम करते करते शादी के बारे में भूल गया। वैसे आप मेरा इंटरव्यू लेने आया ना कि अपना देने के लिए कि मैं शादी करना चाहता हूँ फलां फलां फलां, मुझे देख के तुम्हें शादी की याद आ गई। भाई फोड़ो, चल चल उठे तो। नहीं नहीं मैं फूल नहीं होता। अच्छा मेरी बात सुने, अभी मैं टॉपिक चेंज कर लेता हूँ, बात करनी है मेरे साथ सही सही करो। ये क्या सवालात कर रहे हो तुम? ये सवालात मेरे दिल के थे तो मैंने कर दिए। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप इस फील्ड में आई कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? हाँ ये सही सवाल है, मुझे इस फील्ड में आए काफ़ी अरसा हो गया है। साल कितने हुए हैं ये तो मैंने गिने नहीं कभी। अच्छा इतने टाइम में आपने इस फील्ड से क्या पाया? इज्जत प्यार मोहब्बत नाम शोहरत। इस फील्ड से मुतमिन आप? जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने इस फील्ड को काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी मतलब वक्त दिया, आपके जो साथी फनकार हैं उनका रवैया कैसा है आपके साथ? सब मोहब्बत करती हैं, सब मेरे साथ अच्छी हैं, क्योंकि मैं खुद अच्छी हूँ। आप अगर किसी की इज्जत करोगे तो वो आपकी डबल इज्जत करेगा, अगर आप किसी से बदतमीजी करोगे तो वो भी करेगा, साफ सी बात है। और बड़े से लेके छोटे तक, मतलब सीनियर आर्टिस्ट से लेके जूनियर तक, सभी मेरी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं।
अच्छा मैडम मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी से कोई गिला? कोई गिला नहीं, आई एम हैप्पी। अच्छा मैं इसी बात पे आना चाहूँगा कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड? जी मैं अनमैरिड हूँ। शुक्र है, और गल बन सी सब कदम मैं फिर टॉपिक चढ़सा। अच्छा मैडम आप मुझे ये बताएं कि इतने बड़े बड़े झुमके वगैरह लगा के यहाँ सेट लगा के थकती नहीं आप? नहीं फैशन है, जाहिर बात है दिखेगा तो बिकेगा। ये गल कोई समझ नहीं आई, दिखेगा तो बिकेगा। हम अगर खुद को एक अच्छे तरीके से रेडी नहीं करेंगे, मतलब प्रॉपर गेटअप नहीं करेंगे, तो हमें तो लोग जूनियर समझेंगे, हमें कोई देखेगा भी नहीं। अगर हम अच्छे तरीके से अपना गेटअप करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, तो लोग हमें लाइक करते हैं। अच्छा मैडम मुझे ये बताएं कि आप अक्सर परफॉर्म कर रही होती हैं तो फैन वगैरह भी कुछ देख जाते हैं? क्यों उन्होंने की देख जाना है? कोई इनाम वगैरह कोई चीज़ है? अच्छा इनाम वगैरह, हाँ मतलब जिनका जो दिल करता है वो इनाम वगैरह फेंक देते हैं। कभी आप पे दिल भी किसी ने फेंका? दिल फेंकू तो बहुत है, लेकिन हम किसी का दिल एक्सेप्ट नहीं करते। कोई ऐसा इंसान हो कि जिस पे आप जाएगी हो, आप कहोगे इसके पीछे मैं जाएगी हूँ? नहीं अब, जैसे कि मैं नहीं, नहीं अभी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं आया कि जिस पे मैं रह जाऊँ। अपने आस पास देख ले, नजर घुमा ले, शायद कोई मिल जाए। नहीं बहुत नजर घुमाई है, जेलस भी होती हूँ, काश मेरा भी कोई BF हो ना। तो मेरे जैसा गब्बर जवान? मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मुझे चाहिए कोई अच्छा सा मेरे जैसा मम्मी डैडी। मैडम तो मैं मम्मी डैडी नहीं है, मैं कोई गदाऊं उठ के आया हूं, बतिया तक खड़ा आया इधर। मुझे नहीं समझ आई तुमने क्या कहा है, पता नहीं गाली दी होगी मुझे। नहीं मैंने कहा मैं कोई गांव से उठ के आया हूं, क्या मैं लाइटें देखने आया हूं यहां पे? हां तो लाइटें देखने आए होगे, इसीलिए तो ऐसे यार लड़की पे आशिकी झाड़ रहे हो। जरा मैडम मैं आज लड़की पे इसलिए कह रहा हूं शायद कोई फंस जाए, पर फंसती ही नहीं, पता नहीं कोई मेरी शक्ल ही है जी। नहीं नहीं यहाँ पे आपके साथ कोई नहीं फंसेगी, लिहाजा अभी मुझे इजाजत दे, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मेरे सॉन्ग का टाइम हो रहा है, अभी मैंने सॉन्ग के लिए रेडी होना है, मैं सबसे इजाज़त चाहूँगी। अच्छा कोई शेर सुनाना चाहेंगी जाते जाते? नहीं शायरी मुझे नहीं आती है। मुझे ज़िंदगी से बस एक ही गिला है कि तू ज़रा देर से मिला है। ओह ये आप पे था? ये मुझ पे था। तो कोई गाना ही सुना? अच्छा सुनो मैं तुम्हें एक शेर सुनाती हूँ। इश्क हो और सुकून भी हो, इश्क हो और सुकून भी हो, सुनो जनाब होश में तो हो। क्या बात है, इश्कबाजी वो करे जो इश्कबाजी कर सके, तन के कपड़े बेच के मुस्कान को राजी कर सके। वाह 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 वाह, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। सब हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और इस बेवकूफ़ के चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो करें।